रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इसका नाम बताओ यार, क्या रखना चाहिए, सजेशन दो। भी आ रही है और बारिश भी हो रही है अच्छी खासी, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और ये हाल चल रहा है। देखो साफ सफाई चल रही है, कल यहाँ का पूरा साफ हुआ, अब यहाँ का साफ हो रहा है पूरा। हम लोग क्या करते, जो हमारे पत्रे लगे ना नीचे, उनको जब साफ करते हैं ना, उसके साथ साथ ही जो बाड़े हैं ना, बाड़े पूरे धो देते हैं हम, उस वजह से ना हमारे जानवर जो है गंदे नहीं रहते। अब नीचे का पत्रा साफ हो रहा है, फिर कुछ ही देर में बाड़े धुलना स्टार्ट हो जाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। थोड़े दिन की बात है, तुम केज में से निकल जाओगे, फिर तुम घूमोगे खस्सियों के बाड़े में। ये भी तो था खस्सी जिसको किया था हमने, हमारे देखो ये खस्सी भी, जब से खस्सी इनको किया है हम लोगों ने, तब से ये ऐसे ही यहाँ पे है इतने से पैसेज में। इंशाल्लाह इनको आज फ्री कर देंगे, जो हमारा ये खस्सियों का बाड़ा है इसमें डाल देंगे सबको इंशाल्लाह। आज हमारा ये टारगेट रहेगा, देखते हैं कैसा बिहेव करते हैं ये लोग। फीडिंग के पहले पहले हम लोग ये चीज कर देंगे, बाकी सारे जानवरों अपने पत्ती अत्ती खा के आराम कर रहे हैं आराम। ये देखो प्लेटफॉर्म छोड़ के नीचे बैठा है जंबो, टर्बो प्लेटफॉर्म पे बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो ऊपर की जो अपनी टंकी है ना, उसमें से यहाँ से पानी चढ़ाते तो इसका पाइप ही निकल गया। इसकी फिट करते करते मेरा हाल देखो क्या हो गया। ये सब चीजें लगी रहती है एक फार्म चलाने में। अभी इसको फिट करना पड़ेगा, मशीन तो बंद कर दी मगर प्रेशर देखो अभी भी, एंड इट्स डन गाइस। हम थोड़ा भीग गए मगर काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब फिर से मशीन चालू कर देते हैं, करंट ना लग जाए। चलो भर जाएगी थोड़ी देर में। पूरा पानी पानी हो गया। ये सब है ना जनरल वर्क है फार्म के, साफ सफाई एंड ऑल, और साफ सफाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है साफ सफाई। लो जी लो देखो अभी नीचे का प्लेटफॉर्म साफ हो रहे हैं। ये हर हफ्ते में 10 दिन में ये काम होता है, नीचे के पत्रे साफ हो गए फिर प्लेटफॉर्म साफ हो जाता है। पहले हम लोग ये चीज हफ्ते हफ्ते में करते थे, मगर इसको फिर हमने 15 दिन का गैप दे दिया कि महीने में 2 बार प्लेटफॉर्म भी साफ और नीचे के पत्रे भी साफ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी पानी पानी है, हम काम करेंगे तो ये सब चलते रहता है गाइस, दिस इज ऑल जनरल थिंग्स। पानी फिर निकलना स्टार्ट हो गया यार, इसको अभी है ना आज का काम होने के बाद है ना, जब इसका काम हो जाएगा तो अपने को एक वो लेके आना पड़ेगा सोल्यूशन, जो इसको चिटकाने के लिए मिलता है ना, वो लेके आके इसको फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार ऐसे निकलता रहेगा। बारिश फिर से शुरू हो गई यार, मस्त पड़ रही है मगर। चलो अभी ये जो चराई है ना, ये चराई अंदर लेके जाने का वक्त आ चुका है। आज ये टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग और ये सक्सेस हो गया ना तो फिर हम लोग इसको है ना पेंट करके लगाएंगे। फिलहाल के लिए जब तक हमारी जो ब्लैक वाली ट्रेज है ना वैसी नहीं ले लेते हम लोग, तब तक के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, बड़े काम की चीज। लो जी लो ये ट्रे आ गई अंदर और इसको थोड़ा साफ भी कर दिया हम लोगों ने, मगर इसमें ना जंग लगा हुआ है। जंग का क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ। अब ये ठेरी लोहे की ट्रे में ना ये जंग लगने का प्रॉब्लम होता है, अगर इसको रेड ऑक्साइड और पेंट लगा होता ना तो नहीं लगता जंग, मगर एक वक्त के बाद ना पेंट भी निकल जाता है, रेड ऑक्साइड भी निकल जाता है, तो उससे है ना जानवरों में टीटी की बीमारी होने की जो है ना रिस्क बढ़ जाता है। तो अभी फिलहाल है ना इसको ऐसे चलाएंगे आज के दिन, और कल है ना इसको हम लोग पेंट कर देंगे फिर उसके बाद ही यूज करेंगे। इससे हमारे जानवर भी सुरक्षित रहेंगे और हमारा काम भी चलेगा, कब तक, जब तक हमारे ब्लैक वाले ट्रे नहीं आएंगे तब तक। अभी तो मेरे को धक धक हो रहा है, अपने जो 3 खस्सी है वो और ये पंजाबी खस्सी और एक ये होंटल ये रहेगा इसमें, देखते हैं कैसा मैनेज करते हैं। जहाँ तक के मेरे को लगता है सारे लड़ेंगे तो जरूर, उनको तो 1 महीना हो गया खस्सी करके, वो थोड़े शांत हो गए, मगर पंजाबी है ना थोड़ा सा एक्टिव अभी भी, मगर जब यहाँ पे अपने बाड़े में पूरे खस्सी वगैरह घूमेंगे ना तब मजा ही अलग आएगी इंशाल्लाह। ये तो फुल एंजॉय कर रहे यहाँ पे। ये देखो बहुत दिन हो गया ना आप लोगों ने अपने घर के बच्चे ने देखे होम ब्रीड, ये एक अपनी बकरी, ये अपनी टोगी और नोयान की बच्ची, ये एक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे देखो वर्षा और नोयान का बेटा। भाई साहब ये भी बिक चुका है, ये अभी अपने पास ही पलाई पे, ये भी अपने भाई ने ही लिए एक, माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है। अभी देखो इसको बनते हुए देखना कैसा बनता है, ये अच्छा छोड़ रहा है, सिंगिंग भी अच्छी छोड़ रहा है, अच्छा बनेगा इंशाल्लाह ये भी इंशाल्लाह। ये अपनी जो टोकी आई थी ना ये वही से बाहर से लग के आई थी, तब ये बच्चा दी थी उसने, अपने फार्म पे पहला बच्चा है ये वाला बच्चा पहला है अपने फार्म का। तो अपने पास देखो ना अपने घर की कितनी बकरियां है, 1, 2, 3, 4,
ये सब अपनी होम ब्रीड है अल्हम्दुलिल्लाह, नोयान की और अपने घर की बकरियां है ना उनके बच्चे। अब ये धीरे 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 2 के 4, 4 के 6, 6 के 8, 8 के 16, 16 के 32 होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये कब होंगे जैसे जैसे हम लोग कहानी में आगे बढ़ेंगे पता चल जाएगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अपनी होम ब्रीड है, अपनी होम ब्रीड है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब दुआ दो, तुम लोग दुआ दो, सबको दुआ दो। ये एक्शन करता का नहीं तू, जरा डर के भागता है, एक्शन करता का नहीं। अरे माशाल्लाह लग रहा है। ये जिसने लिया है ये बकरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, बताओ कैसा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, दुआ दो सबको दुआ दो। ये देखो ना, ये खुलेगा तो सीधा खाने पे भागता है। देखो ये भी वेट कर रहे हैं, सब लोग फीड का वेट कर रहे हैं। जैसे ही अपने खस्सी शिफ्ट होंगे ना, इनके लिए भी हम लोगों ने सोचा है कहाँ पे इनको रखना है, तो इंशाल्लाह इनको भी वहाँ पे रखेंगे। मगर आज नहीं, उनको थोड़ा बाद में रखेंगे, क्योंकि जहाँ पे रखने का सोच रहे ना वहाँ से निकल जाएंगे वो लोग। क्या रे तेरे वजह से तो ये सब लगाए। पहले दिन जब इसको छोड़े थे ना तो यहाँ से कूद के ऊपर चले गया था, इसके लिए तो हम लोगों ने ये लगाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह। इसका नाम अभी तक सोचे नहीं यार हम लोगों ने, इसका नाम बताओ यार क्या रखना चाहिए, सजेशन दो। एक नाम है मेरे दिमाग में, मगर तुम लोग भी बताओ, तुम लोगों के नाम अगर वो वाले नाम से अच्छे रहे ना तो उनमें से एक कोई सेलेक्ट कर लेंगे। बताओ, सजेस्ट करो नाम इसके लिए। मेरे दिमाग में है एक, मगर तुम लोग के ऊपर भी कुछ छोड़ता हूं। बताओ तुम लोग बताओ। कितने जानवर हो गए माशाल्लाह, अपनी होम ब्रीड है अल्हम्दुलिल्लाह, होम ब्रीड अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बॉयज, तुम्हारा बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, आ जाओ चलो। आई शाबाश, लो जी लो, सारे के सारे बाहर आ गए। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया, शांत हो जाएंगे। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। माशाल्लाह, दुआ करो अल्लाह से कि मस्त तैयार हो जाए अपनी खस्सी। देखो ये खस्सी, ये खस्सी, ये खस्सी, माशाल्लाह मजा आएगी, मजा इंशाल्लाह। ये खस्सी और जो फ्रेश फ्रेश हुए वो बोर, वो कोटा सब आएंगे इसमें धीरे धीरे एक एक करके। अबे अव्वल को भी लेके, अव्वल को, हाँ ये अव्वल को भी लेके, अव्वल को भी डाल देंगे, उसको तो भूल ही गया मैं। लड़ लो लड़ लो, फिर शांति तो होना है तुमको। आ गया आ गया, अव्वल आ गया हमारे फार्म का सबसे पहला खस्सी। माशाल्लाह इसने हाइट और लिया और अच्छी किया इसने, मेरे को लगता 2-3 इंच ले गया इसने हाइट ही दे रहा था। माशाल्लाह बहुत ऊंचा हो गया यार ये, माशाल्लाह यासर भाई खुश जाएंगे देख के इसको। और अभी लड़ो लड़ो बिंदास लड़ो तुम लोग, बस थोड़े दिन लड़ेंगे अभी ये देखना इंशाल्लाह। ये आज लड़ रहे हैं ना, जैसा वैसा कल ले लड़ेंगे। इनकी चराई भी हमने अंदर ले ली, बाहर का वो पैसेज ना कम पड़ रहा था इसके लिए अंदर ही रख दी हम लोग। माशाल्लाह लग रहा है यार अव्वल, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखे थे ना तुम लोगों ने डे 1 पे इसको, देखो माशाल्लाह। चलो चलो फीडिंग का टाइम हो गया है, फीड कराते है। माशाल्लाह देखो यासर भाई, माशाल्लाह लग रहा है। खुलने के बाद जानवर अलग ही लगते हैं। ए ज्यादा मत लड़ो रे, उसको भी शिफ्ट कर देंगे, उसके लिए जगह बन रही है, उसकी जगह बन चुकी है, उसकी जगह है ऑलरेडी, प्लेटफॉर्म बनाना है उसके लिए, प्लेटफॉर्म बनाएंगे फिर उसको शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलो लड़ते रहो। तो लड़ लड़ के थक गए, अभी शांति से खड़े है, खा पी के भी हो गया इनका अल्हम्दुलिल्लाह। देखो लड़के थोड़ा खून भी निकला है इसको, ये देखो ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर इसको ऐसा ही छोड़ देंगे ना, उधर मक्खियां बैठेगी, फिर उधर वो अंडा देगी, फिर वहां पे कीड़े होने के चांसेस रहेंगे, और जख्म जल्दी सूखेगा नहीं। उस पर हम लोग हिमैक्स लगा देंगे या फिर टॉपिक केयर जो अपना स्प्रे आता ना वो लगा देंगे, ताकि कम से कम वहां पर मक्खियां वक्खियां ना बचे। देखो ये एकदम लो फील कर रहा है ये मेंढा, तो इसको हम लोग टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। अब इसको टेम्परेचर चेक करेंगे, इसको सर्दी अभी भी है, सर्दी चेक करेंगे इसकी, और फिर इसको सर्दी की दवाई दे देंगे और एंटीबायोटिक दे देंगे। अभी वो कौन सी दवाई देंगे, एंटीबायोटिक क्या देंगे वो नहीं बता सकते यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से। चलो ये ना 2-4 दिन ऐसे ही करेंगे, और ये 2-4 दिन के वजह से ना इनका वजन टूटेगा। क्लाइंट को वजन देने का टाइम आ गया और हम लोगों ने इनको शिफ्ट करे, देखो फिर चालू हो गए, देखो फिर चालू। रात के 11:15 हो रहे, तुम लोग तो एकदम शॉक्ड हो गए रहेंगे ना, फार्म से डायरेक्ट कार में आ गए अपन, वो भी घर पे, और वो भी एक्शन वाली दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं हम। काम ही कुछ ऐसा पड़ गया था कि मुझे फटाफट से फार्म पे से निकलना पड़ा, मगर एक चीज अच्छी हो गई, जो भी काम निकला ना वो फार्म पे सब फीडिंग वीडिंग कराने के बाद निकला अल्हम्दुलिल्लाह।
बस किसी को याद दिलाने गए थे कि हम सिर्फ एम खान ब्लॉग्स वाले मोहसिन नहीं है, वो याद दिलाने गए थे किसी को, दिला दिए बहुत अच्छे से दिला दिए। क्या बोलू रे, क्या बोलू मैं। चलो फिलहाल बढ़ रहे एक्शन वाली दुनिया की तरफ जाते हैं और एक्शन वाली दुनिया को संभालते हैं। व्लॉग करने ही नहीं मिला, एक फोन आया, फटाक से निकल पड़े। भाई देखो एक बात है, जो हमारे साथ अच्छे है हम उनके साथ बहुत अच्छे है, और जो हमारे साथ थोड़े भी टेढ़े फिर सीधा करके दिखाओ हमको। हाउ आर यू बॉयज? गुड। आफ्टर सो मेनी मंथ्स। यस। आफ्टर सो मेनी मंथ्स, हाउ आर यू कृष्णंदु? गुड सर, हाउ आर यू? टुमारो यू आर गोइंग टू कम इन व्लॉग्स? या, रियली? या मैन। कैसा है सब कुछ? ऑल गुड। हमारा स्वागत हो रहा है अभी यहाँ पे। अरे मेरे शेरो, आओ, चलो आओ, फॉलो मी गाइस। चलो भाई थोड़ा काम संभाल लेते हैं, अब एक्शन वाली दुनिया संभालते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर। रात के 3:39 हो गए, सारी चीजें समेट। ये तो आज फ्राइडे था, इसके लिए जल्दी हो गया, नहीं तो 4:30-5 भी बज जाते हैं। सवेरे की फजर पड़ के ही सोता हूँ मैं वीकेंड्स में। पूरा शेड्यूल है ना सीधे का पूरा उल्टा हो जाता है वीकेंड्स में, जहाँ पे मैं रात को 11 मैक्स टू मैक्स 12 बजे सोता हूँ वीकडेज में, वहां पे मुझे ये टाइम हो जाता है। सवेरे कितने बजे उठा था मैं? 8:30 बजे सवेरे उठा था, और तब से लेके अब तक ट्रेवलिंग कितनी हो गई मेरी, यहाँ से फार्म जाना, वहां से यहाँ पे आना 56 किलोमीटर वो, और ये कुछ 18 किलोमीटर, तो देख लो 70-80 किलोमीटर तो हो गया सिर्फ गाड़ी चला के। फिर उसके बाद पूरे दिन भर फार्म को सही रूटीन पे चलाना, फिर जाके एक्शन वाली दुनिया को सही से चलाना, ये सारी चीजें करने में ना बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझसे करवा भी लेता है ये। तो ये ना बड़ा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए वीकेंड्स में। इसके लिए जो है ना सैटरडे और संडे, ये बहुत ही तकलीफ वाला होता है मेरे लिए। लोगों के लिए एंजॉय करने वाला होता है वीकेंड्स, मगर मेरे लिए ये पूरा उल्टा होता है। इस वजह से ना वीकेंड्स में थोड़े व्लॉग्स नहीं आते, जैसे आप लोग अभी देख रहे हो ये सैटरडे मॉर्निंग में। कई लोगों की छुट्टियां होगी, उनके प्लान्स बन रहे होंगे, फार्म पे जाना है, यहाँ घूमना है, वहां जाना है, मगर मेरा ऐसा होता है इस वक्त पे कि फार्म पे भी जाऊंगा मैं तो ऐसी हालत होती है मेरी कि यार थोड़ा रेस्ट करने मिल जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है काम। आज का ये व्लॉग यहाँ तक खींचने की भी वजह ये थी कि आप लोगों को ये वाला रूटीन भी दिखाओ। पहले वाली जो अपनी पब्लिक है उनको तो मालूम है, मगर काफी नए लोग भी जुड़े उनको भी पता चल गया कि ये वजह है कि वीकेंड्स में मैं इतना थका रहता हूँ, आके सूज जाती है मेरी, नींद ही नहीं मिलती है, कैसे मिलेगी। अब देखो सोऊंगा ना, सोते 5 बज जाएंगे, फिर ऐसी हैबिट हो गई है कि सवेरे मेरी नींद खुल जाएगी बराबर 8:30-9 बजे, तो कम से कम 9 बजे तो खुली जाएगी। तो चलो भाई साहब ये तो बता दिया आपको हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पब्लिक भी समझदार है, समझ जाएगी। तो चलो ये ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल पर, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय। Yeah. So good.